सो गाइज, आपका क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू गो फॉर डीप लर्निंग फॉर अ प्रोजेक्ट? सो लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो किसी कंपनी या स्टार्टअप में, और आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप ये डिसीजन कैसे लोगे कि आपको उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग को यूज करना चाहिए या फिर डीप लर्निंग को यूज करना चाहिए? ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका इंटरव्यूअर ये समझना चाह रहा है कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करता है और डीप लर्निंग किस तरीके से काम करता है. ठीक है, सो आई आंसर दिस. तो एक चीज हमें शायद ऑलरेडी पता ही होगी कि मशीन लर्निंग के अंडर ही आता है डीप लर्निंग. मशीन लर्निंग इज लाइक द पेरेंट ऑफ डीप लर्निंग, ये हमें पता होना चाहिए पहली चीज. सो दोनों में काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं. ठीक है, सो मैं आपको दो पॉइंट्स में ये पूरा आंसर दूंगा. पहला पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मशीन लर्निंग के, आई एम सॉरी, डीप लर्निंग के फेवर में काम करती है. मतलब कौन सी चीजों की वजह से आप डीप लर्निंग को प्रेफर करोगे फॉर योर प्रोजेक्ट. ठीक है, और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे अगेंस्ट, कौन सी चीजें हैं जो डीप लर्निंग के अगेंस्ट जाती हैं व्हाइल चूजिंग इट फॉर अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहला जो फेवर में जाता है वो है परफॉर्मेंस. डीप लर्निंग इतना फेमस इसीलिए हो पाया क्योंकि डीप लर्निंग का जो परफॉर्मेंस है वो मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया है. ठीक है, सो अगर आपने सुना होगा रिसेंटली ये सब न्यूज में भी आता रहता है कि किस तरीके से आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में डीप लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को बीट कर देता है. इनफैक्ट एक बहुत फेमस ग्राफ शायद आपने देखा होगा, दिस इज द ग्राफ. यहाँ पर अगर आप देखो तो यू कैन सी कि परफॉर्मेंस वर्सेस डेटा का ये ग्राफ है, एंड यू कैन सी जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही एल्गोरिदम्स का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहा है विथ डेटा. ऑल्दो यू कैन सी कि डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग से ज्यादा है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि एक टाइम के बाद, लेट्स से इस जगह के बाद, इससे ज्यादा डेटा जब आप बढ़ा रहे हो और ज्यादा, तो मशीन लर्निंग के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वो स्टेबलाइज कर गया, बट डीप लर्निंग फिर भी इंप्रूव कर रहा है. तो इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आप डीप लर्निंग प्रेफर करोगे अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहां पे परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है. लेट्स से आप एक मेडिकल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहां पर यू वांट एक्यूरेसीज अपवर्ड्स ऑफ 99.5%. ठीक है, जहां पे आप जरा भी गलती नहीं कर सकते, वहां पर यू वुड चूज डीप लर्निंग ओवर मशीन लर्निंग. दिस इज पॉइंट नंबर वन. ठीक है, सेकेंड ऐसी चीज जिसके लिए आप डीप लर्निंग को फेवर करोगे वो है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. सो अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके उसके अंदर आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो उस तरह के सिचुएशंस में आप डीप लर्निंग इंप्लीमेंट करते हो. कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर आप डीप लर्निंग प्रेफर करते हो. ठीक है, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. लेट्स से आपको बोला जाए कि आपको एक फोटो को देख करके बताना है कि उसके अंदर कैट है या डॉग है. ठीक है, अब वी कैन नॉट यूज मशीन लर्निंग हेयर बिकॉज आप खुद से रूल्स क्रिएट नहीं कर पाओगे कि अच्छा अगर चार पैर है तो कैट है, नहीं तो डॉग है, लंबा टेल है तो कैट है, नहीं तो डॉग है. सिंस ये इमेज में कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह के रूल्स बना पाना, हैंडमेड रूल्स बना पाना जिनको हम फीचर्स बोलते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है इस तरह के ओपन एंडेड प्रॉब्लम में. तो यहां पर क्या होता है कि डीप लर्निंग बहुत बढ़िया तरीके से खुद से हैंडक्राफ्टेड रूल बनाने के बदले खुद से रूल्स बनाता है. ठीक है, हमें नहीं पता वो रूल्स क्या है, वो फीचर्स वो खुद से जनरेट करता है और फिर उसके ऊपर अपने आप काम करने लगता है. सो सेकेंड फेवर में जाने वाले पॉइंट है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक इमेज डेटा के ऊपर या फिर टेक्सचुअल डेटा के ऊपर, ठीक है, तो इस तरह के सिनारियोज में आप डीप लर्निंग प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ मशीन लर्निंग.
ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेंस्ट में कौन से पॉइंट्स जाते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अगेंस्ट में जाता है वो है डेटा. सो लेट्स से आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस यू वुड नॉट यूज डीप लर्निंग, बिकॉज डीप लर्निंग यूज करने का एक सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट है कि आपके पास खूब सारा डेटा होना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा डेटा है तो आपके डीप लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, वहां पे फिर मशीन लर्निंग ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देगी. ठीक है, सो डेटा का भूखा होता है डीप लर्निंग, उसको डेटा चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सेकंड कॉस्ट. कॉस्ट को आप हार्डवेयर भी बोल सकते हो. सो डीप लर्निंग को ट्रेन करने के लिए चाहिए होते हैं जीपीयूस, ग्राफिक्स कार्ड या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. अब ये कॉस्टली होते हैं. ठीक है, आप चाहो तो सीपीयू के ऊपर भी ट्रेन कर सकते हो एक डीप लर्निंग मॉडल को, बट इट वुड बी वेरी वेरी स्लो. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जीपीयूस खरीदने पड़ेंगे या फिर रेंट करने पड़ेंगे AWS जैसी सर्विस से, दोनों में ही आपको पैसे लगेंगे. ठीक है, तो अगर आप डीप लर्निंग यूज कर रहे हो तो फिर आप एक बात समझ लो कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू मशीन लर्निंग. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो अगेंस्ट में काम करता है. तो अनलेस अनटिल आप ऐसे प्रोजेक्ट में हो जहां पे इट्स वेल फंडेड और पैसा एक इशू नहीं है, तो फिर आप यूज कर सकते हो डीप लर्निंग. ठीक है, थर्ड पॉइंट इंटरप्रेटेबिलिटी. इंटरप्रेटेबिलिटी, यस, इंटरप्रेटेबिलिटी या फिर एक्सप्लेनेबिलिटी भी बोल सकते हो आप. इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपने एक मॉडल बनाया, यही मॉडल बनाया आपने, कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर बनाया. अब आपने जब ये मॉडल अपने क्लाइंट को दिया तो वो आपसे पूछ रहा है कि बट मुझे ये भी बताओ, काम तो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर आप मुझे ये भी बताओ कि ये काम कैसे कर रहा है, क्या रूल्स डिसाइड किए इस डीप लर्निंग मॉडल ने जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं ये चीज कैट है ये चीज डॉग है. अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे क्लाइंट ने पूछ लिया तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के ऊपर फीचर्स खुद से जनरेट होते हैं डीप लर्निंग में. वो क्या है वो हमें नहीं पता, वो बीच के हिडन लेयर्स में जनरेट होते हैं और वंस द टास्क इज ओवर वो फीचर्स खो जाते हैं. तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है पता करने का कि हमारा डीप लर्निंग मॉडल कैसे डिसाइड कर रहा है कि कौन सी चीज कैट है और कौन सी चीज डॉग है. तो इंटरप्रेटेबिलिटी जो है वो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है. आप पता नहीं कर सकते कि आपके डीप लर्निंग मॉडल ने क्या सोच करके ये डिसीजन लिया. सो कल को लेट्स से आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में हो जहां पे इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से आप क्या कर रहे हो, आप डीप लर्निंग मॉडल की हेल्प से यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे. अब ऑब्वियसली अगर आप उनका अकाउंट ब्लॉक करोगे तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया. बट अगर आपने डीप लर्निंग यूज कर रखा होता तो आप बता ही नहीं सकते कि क्यों ब्लॉक किया. बट अगर आपने मशीन लर्निंग यूज किया होता तो शायद आप बता पाते कि अच्छा ये रीजंस हैं बिकॉज आपने यहाँ पे क्लिक किया या जो भी है. ठीक है, सो ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से आप डीप लर्निंग को यूज नहीं करते हो. ठीक है, तो यही आपका समरी है. मैं एक बार समराइज कर देता हूं, कब डीप लर्निंग यूज करना चाहिए, जब परफॉर्मेंस बहुत मैटर कर रहा है, आपको रिजल्ट्स चाहिए अच्छे. ठीक है, सेकंड आप इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो कि आपके पास डोमेन नॉलेज ही नहीं है कि आप फीचर्स क्रिएट कर पाओ, तो फिर मशीन लर्निंग यूजफुल नहीं है, डीप लर्निंग यूज करना चाहिए. अगेंस्ट में कौन सी बात चली जाती है, डेटा, खूब सारा डेटा चाहिए डीप लर्निंग को, और डेटा कॉस्टली होता है, स्पेशली लेबल डेटा. डेटा के ऊपर लेबल्स हो, ये लेबल्स लगाने में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए आप डीप लर्निंग यूज ना करके मशीन लर्निंग यूज करते हो छोटे डेटा सेट के ऊपर. कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, अगर आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हो तो फिर यू नीड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, जीपीयू चाहिए आपको जो कि कॉस्टली होते हैं. और थर्ड इज इंटरप्रेटेबिलिटी, वाई का आंसर नहीं देता है डीप लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग देता है. आई होप आपको ये पूरा आंसर क्लियर हो गया.